हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका लेसन नंबर 8। शॉर्ट में जो है हम इसे खत्म करेंगे, पॉल्यूशन, एयर नॉइस एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। पॉल्यूशन आप बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हो, तो शुरुआत करते हैं। अगर बात करें पॉल्यूशन की डेफिनेशन की, आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए, थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे आप। ईपी ओडम द्वारा पॉल्यूशन क्या तरीके से डिफाइन की गई है, एज एन अल्टरेशन इन द फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द होल इन्वायरमेंट। इट ऑल्सो स्पेसिफाइड इट्स हजार्डस इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ फ्लोरा एंड फौना, अदर इन्वायरमेंटल सिस्टम्स एंड नॉन लिविंग मटेरियल। तो बेसिकली इस तरीके की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि मतलब आपको जो है किसी भी तरीके का चेंज, चाहे वो फिजियोकेमिकल में हो चाहे वो बायोलॉजिकल नेचर में हो, जिससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा हो, इससे जो है आपको किसे क्या कहेंगे, आप इसे पॉल्यूशन कहेंगे। सेकेंडली आप क्या कहेंगे, पॉल्यूशन जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी मैन मेड फैक्टर्स के द्वारा हो सकता है, नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि नेचुरल पॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है, तो बेसिकली इट इज़ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, नेचुरल पॉल्यूशन मतलब नेचर के द्वारा की गई पॉल्यूशन। तो वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है निकल कर आती है, तो ये जो है वन ऑफ दी कॉज हो सकता है। ठीक है, मतलब नेचुरल कॉज के अंदर फॉरेस्ट फायर्स कभी कभी नेचुरल होती है, लाइटनिंग के कारण यानी बिजली गिरने के कारण फॉरेस्ट में जो है लग जाती है आग। ठीक है, फ्लड्स जो है नेचुरल होते हैं, लेकिन इसके इम्पल्स के जो कॉजेज होते हैं ना, ये जो है मैन मेड होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है कि नेचुरल पॉल्यूशन क्रिएट करती है, बट मेजॉरिटी ऑफ पॉल्यूशन कौन क्रिएट करता है, ह्यूमन ही क्रिएट करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ही क्रिएट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि पॉल्यूशन किस सोर्सेज से होती है, उसके सोर्सेज को समझें, तो हम समझ सकते हैं सॉलिड वेस्ट को। सॉलिड वेस्ट समझ सकते हैं डिफरेंट तरीके से, हम समझ सकते हैं एक होता है सॉलिड वेस्ट, एक होता है लिक्विड वेस्ट, मतलब किस तरीके से हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। एक हो सकता है आपका गैसियस वेस्ट, एनर्जी वेस्ट और नॉइस। ठीक है, तो आपने डिफरेंट तरीके के पॉल्यूशन पढ़े होंगे, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, राइट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि पॉल्यूशन किस किस सोर्सेज से हो सकता है, सोर्सेज समझ लेते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को समझेंगे। तो सॉलिड वेस्ट यानी कि जितने भी तरीके के वेस्ट हम जनरेट करते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे हम जो है ऑर्गेनिक मैटर के रूप में घर में जो वेस्ट जनरेट करते हैं, ये सब पॉल्यूशन जो है जनरेट करता है। लिक्विड वेस्ट की बात करें, तो लिक्विड वेस्ट भी हम बहुत सारे जनरेट करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में जनरेट करें, घर में डिटर्जेंट वगैरह जनरेट करें, फर्टिलाइजर्स जनरेट करें या कुछ और जनरेट करें। गैसियस वेस्ट तो डेफिनेटली हम जनरेट करते ही हैं, हम आजकल इतनी सारी व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की गैसेस भी जो है जनरेट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि एनर्जी वेस्ट जो, उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी वेस्ट के बारे में। तो एनर्जी वेस्ट यानी कि अगर हम बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे जो है कहीं ना कहीं हम एनर्जी जनरेट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी भी जनरेट करते हैं। तो बहुत सारी एनर्जी हम जब जनरेट करते हैं, तो उससे भी जो है हम वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव जब हम एमिशन करते हैं, न्यूक्लियर जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उससे जो है रेडियो एक्टिव, मतलब ना ये गैस के फॉर्म में है ना लिक्विड के फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक है, रेडियो एक्टिव एमिशन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, बिकॉज ये आने वाले जनरेशन को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को आपका जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं। नॉइस इज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो अपार्ट फ्रॉम अगर हम बात करें गैस हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है, इसके बाद नॉइस समथिंग ऐसी होती है जो अनवांटेड होती है। ठीक है, आपका जो प्लीजेंट साउंड होता है वो अलग चीज़ होती है, नॉइस अलग चीज़ होती है, चाहे आप रोड रेडियो यूज़ करो, हॉर्न बजा रहे हो आप, तो ये सब तरीके की चीज़ों से आप कहीं ना कहीं नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। और इससे सिर्फ आपको पता है एनिमल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, प्लांट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम बहुत हद तक ये पॉल्यूशन मतलब जो है फैला रहे हैं इन द एनवायरमेंट। अब पॉल्यूटेंट्स को आप डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरीके का पॉल्यूटेंट है उसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली किस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को वो हार्म कर रहा है, इस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। आप बचपन से अक्सर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव, ये सब पॉल्यूशन पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये किस कंपोनेंट को नुकसान पहुँचा रहा है उसके बेसिस पे है। ठीक है, और दूसरा टाइप का जो डिवीजन है मैंने आपको ऊपर बताया, वो किस बेसिस पे रहेगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब क्या वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल आपको पता है ना, जैसे कि जो नेचुरली जो है डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, तो वो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे डिकम्पोज हो जाएगा,
ये हो जाता है बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सॉइल में जो पार्टिकल्स है उससे डिकम्पोज ना होगा, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। जैसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक वेस्ट है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो हमें जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप समझ सको और आप जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो है कोशिश कर सको कि पूरे वर्ल्ड में आप जो है इस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को फैला सको। तो बेसिकली आज के टाइम पे आप देखेंगे कि आपको एजुकेशन में, जैसे कि आप बचपन से, मैंने आपको बताया 6th, 7th, 8th, 9th हर एजुकेशन सिस्टम में आपको पढ़ाया जा रहा है, ग्रेजुएशन में भी आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज ये कंपलसरी कर दिया गया है। ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि आपको इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर किया जा सके और ये सब तरीकों से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम किया जा सके, क्योंकि हमें ये अर्थ पे रहना है और अभी नहीं हम चाहते कि हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी यहाँ रहे। अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे इन्वायरमेंटलिज्म का जो मूवमेंट निकला है, आजकल आपको मीडिया के थ्रू आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर आप देखें तो मीडिया आपको अक्सर बताती है कि कौन कितना इन्वायरमेंट फैला जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है फैला रहा है। अब बात करते हैं कि आजकल बहुत सारे लॉज भी निकल रहे हैं जिससे जो है आप अगर इन्वायरमेंटल लॉ को तोड़ेंगे तो आपको जो है सज़ा मिलेगी। ये सब तरीके अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, तो ये सारे आप स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल अप्रोच टूवर्ड द इन्वायरमेंट शुड बी मेड थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो ये सारे स्टेप्स आप लिखेंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट वगैरह को आप कंट्री साइड के बाहर रखें, जहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे थोड़ा दूर रखें, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान्स जो है अडॉप्ट करने चाहिए, और न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपको देखना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स द्वारा जो है रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब कोई भी कंट्री बिना इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में, डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी पॉल्यूशन आता है तो आप थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं कॉजेज इफेक्ट, लेकिन थोड़ा और आप ग्रेजुएशन लेवल का इसमें हम समझेंगे, तो एक एक पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एयर पॉल्यूशन से। तो एयर पॉल्यूशन जैसे कि आपको पता है क्या होता है, जब हम एयर को पॉल्यूट करते हैं तब हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं, और सेकेंडली मैंने आपको फिर बताया इसमें एंथ्रोपोजेनिक यानी जो हमारे ह्यूमन मेड फैक्टर्स एज वेल एज नेचुरल एजेंट दोनों के द्वारा जो है ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि दोनों के द्वारा जो है क्वालिटी ऑफ एयर डिग्रेड हो सकती है, दोनों के द्वारा पॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम बात करें कि हमारे आसपास जो हम सांस ले रहे हैं ये पूरा एरिया जो है ये एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती है, और इस अगर हम बात करें तो हम कितनी बार सांस लेते हैं, आपको पता है 22,000 बार हम दिन भर में सांस लेते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते लेकिन हम 22,000 टाइम सांस लेते हैं, और ये 16 kg ऑफ एयर जो है हम कंज्यूम करते हैं। 16 kg ऑफ एयर मतलब इससे हमारा वजन नहीं बढ़ जाता, हम ऑफकोर्स जो है इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं। तो अगर ये एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, सोचिए अगर इससे हमारी बॉडी में कुछ नुकसान वाले यानी कि कुछ अगर हमारे बॉडी में ऐसे पार्टिकल्स जो है चले जाए जो हम नहीं चाहते, हम तो एयर को देख भी नहीं सकते, तो एयर को देख भी नहीं सकते तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में किस तरीके के जो है पार्टिकल्स जा रहे हैं। वैसा ही तो हुआ था इन टर्म्स ऑफ आप देखेंगे 1984 के अंदर जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वहाँ पर लोगों की, लाखों लोगों की रातों रात जान चल जाती है, और आने वाली पीढ़ियों पर जो है आपको देखने को मिलता है इम्पैक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड आपको पता है कितना ज़्यादा खतरनाक पॉइजनस एलिमेंट होता है, तो वो गैस जो है रिलीज हो चुकी थी इन दी सिटी, और इसी वजह से लाखों लोगों की जान जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ जो है डिपेंड करती है एयर पे, और अगर आप उसको पॉल्यूट करेंगे तो हमारी लाइफ पर डेफिनेटली जो है इम्पेक्ट होने वाला है। अगर हम बात करें कि एयर को क्लीन किस तरीके से किया जा सकता है, तो जब बारिश होती है तो एयर बहुत अच्छे से जो है क्लीन हो जाती है। कभी बारिश के बाद आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सैर पे निकलते हैं तो आपको बहुत क्लीन और फ्रेश एयर जो है अच्छी मतलब लगती है। सुबह के टाइम अगर आप कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ग्रीन एरियाज में अगर आप जाते हैं, अगर आप एफॉरेस्टेशन करते हैं उससे भी आप एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पार्क वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपको बहुत फ्रेश एयर लगती है। तो ये सब क्यों लगता है, बिकॉज वहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रीन प्लांट से जो है आपको एयर मिल रही है, और ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, नेचुरल प्यूरिफिकेशन करते हैं ऑफ दी एयर। एयर पॉल्यूटेंट्स को हम डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इससे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि जिससे एयर पॉल्यूट होगी वो एयर पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, जिससे वाटर पॉल्यूट होगा वो वाटर पॉल्यूटेंट है, जिससे सॉइल पॉल्यूट होगी वो सॉइल पॉल्यूटेंट हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल सी बात है। डिफरेंट तरीके के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है,
डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका मतलब मैटर किस तरीके का, छोटा है बड़ा है, किस तरीके का मैटर है जिससे हम पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ये सारे तरीके के डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि तीन तरीके से, तो ओरिजिन समझेंगे। तो ओरिजिन किस तरीके से होते हैं, ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स जिसका ओरिजिन जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाता है, उसे हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन मतलब मैंने आपको बताया डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। डायरेक्टली जो हम हवा में छोड़ दे रहे हैं, मतलब कैसे छोड़ेंगे, हम व्हीकल एमिशंस के द्वारा, हम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब प्रोड्यूस करेंगे। ये सब हम ये सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एटमोसफेयर में डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो हम डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस कर रहे बल्कि रिएक्शन होकर जो है आ रही है, जैसे हमने जो है क्या किया, हमने जो है क्या कहते हैं एयर में जो है क्या कहते हैं जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स भेजे हैं उसका रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म होंगे। फिर बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो केमिकल कंपोजिशन में आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है, हमेशा याद रखना, जिसमें हाइड्रोजन या कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। आपने इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए होंगे आपके क्लास 10th केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड, फॉर्मेडिहाइड, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, कीटोन, या फिर आपने जो है इथेन, प्रोपेन, ये सब चीज़ें, तो ये सब जो होते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हम इसको क्लासिफाई करेंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन या कार्बन नहीं होता, यानी कि कार्बोनेट्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके के जो होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन क्लासिफाई। थर्ड थिंग होती है कि किस तरीके का मैटर है, तो मैटर जो है कैसे भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ गैस हो सकता है, जितने भी तरीके की गैसेस हमने अभी सुनी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो या कोई भी तरीके की गैस हो, और इन टर्म्स ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वैसे ही जो है हम डस्ट हो गया, या फिर अगर हम माइनिंग करते हैं तो उससे हम बहुत ज़्यादा जो है सस्पेंडेड जो है पार्टिकुलेट रिलीज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें भी जो है छोटी छोटी होती है, बिल्कुल साइज्ड पार्टिकुलेट मैटर होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है टू दी एयर। डिफरेंट तरीके की पॉल्यूशन होती है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन बताया जा रहा है इंडोर एंड आउटडोर, तो इंडोर से आपको समझ में आ रहा है जो घर में पॉल्यूशन है, ठीक है, तो इंडोर से मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि आप जो है गैस चला रहे हैं, ठीक है, ये जो भी चीज़ें घर में कर रहे हैं उससे जो है आपको देखने को मिल रहा है इंडोर एयर पॉल्यूशन। आउटडोर यानी जो आप व्हीकल बाहर चला रहे हैं, आपको भी ट्रैफिक में चले गए, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कितना पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज जो है इतना सारा एमिशन कर रही है वो कितना पॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये दो तरीके की पॉल्यूशन उन्होंने क्लासिफाई किए। अब बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है केस है वो मैं आपको बताऊंगी, लंदन स्मॉग का एक केस है, और एक केस जो आपको देखने को मिलता है वो है लॉस एंजलिस का, दोनों भी हम जो है पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं लंदन स्मॉग के बारे में, तो होता यह है कि 1920 सेंचुरी के अंदर जो है यूके के अंदर, ठीक है, 1952 के अंदर होता यह है कि वहाँ पर आपको एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ठंडा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आपको पता है कैसा होता है यूके के अंदर, मतलब ठंडी बहुत होती है वहाँ पर, ठीक है, और दिसंबर का टाइम है तो विंड स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, और आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ फॉग फैल जाता है, और उस टाइम पे फिर बाद में जाकर आपको देखने को मिलता है स्मॉग टर्म, जैसे कि अगर आप दिल्ली में कभी कभी देखेंगे दिसंबर वगैरह के महीने में, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉग है। स्मॉग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, स्मोक और फॉग, फॉग मतलब सुबह सुबह की नमी, ओस होती है ना जो आपको देखना अच्छी लगती है, और जैसे वाटर पेपर जम जाती है ह्यूमिडिटी के कारण, वो फॉग होता है। फॉग और स्मोक का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, और ये जो है किसके द्वारा कॉइन किया गया था, ये टर्म हैरोल्ड डेसबॉक्स के द्वारा, ठीक है, और ये बेसिकली जो है स्मॉग जो है पूरा जम जाता है, तो हम सोचेंगे स्मॉग जमने से क्या हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा हद तक वहाँ स्मॉग जम जाता है कि विजिबिलिटी नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाता, एक दिन अगर कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेगा तो आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ जाएगी, रेलवे नहीं चल रहा है, फ्लाइट बंद हो गई, शॉप्स बंद हो गई, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, पूरी सिटी पैरालाइज हो गई, ठीक है, और इतना ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गया, और 8,000 से ज़्यादा लोगों को ऐसा लगा कि बहुत सारे उनको हार्ट डिजीज़ फील होने लग गया, बहुत सारे लोगों को इरिटेशन हो रही थी आँखों में, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती है, बिकॉज आपको देखने को मिलता है कि ये जो है कहीं ना कहीं द रीज़न इज़ कि आप बहुत टाइम तक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, और एक बार एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपको इफेक्ट होने ही वाला है, ठीक है,
आप जितना पोल्यूशन इन्वायरमेंट में फैला रहे हो उसको अल्टीमेटली आपको उस पर आपका आपके ऊपर उसका इफेक्ट होने ही वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि सल्फर का इतना ज़्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है एयर के अंदर वो 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और बहुत सारे लोगों की आपको डेथ भी जो है देखने को मिलती है इनकी वजह से। आपको फिर 1956 के अंदर वो लोग क्या पास करते हैं, क्लीन एयर एक्ट जो है वो पास करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है इन लंदन 1952 में, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत था। इंडिया में उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन तब नहीं था, अब इंडिया में उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है शुरू हो चुका है। दूसरा था लॉस एंजलिस के अंदर 1943 में होता है, वहाँ पर भी जो है सेम चीज़ होती है कि स्मॉग आता है। ये क्यों आता है आपको पता है, ये स्मॉग इसलिए आता है बिकॉज कहीं ना कहीं जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो जो है क्या कहते हैं उसके वजह से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्मॉग जनरेट होता है। इससे भी सेम चीज़ होती है, इतना स्मॉग हो जाता है कि लोग देख नहीं पाते, आंखें डैमेज हो जाती है, प्लांट्स बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, और आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी सांस फूल रही है। आजकल आप देखिए आप जो है क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा क्लीन एयर नहीं इनहेल करते तो आपको कैसा फीलिंग आती है कि आपको जो है कहीं ना कहीं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, कभी ऐसा लगता है उल्टी आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और ये सब चीज़ों की वजह से आपको देखने को मिलता है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो अगेन ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट केस है, ये आप जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हैं फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। दो एग्ज़ाम्पल है, लॉस एंजलिस का स्मॉग है और एक जो है आपको मैंने बताया लंदन का स्मॉग है। दोनों के अंदर कॉजेज यही थे कि इंडस्ट्री से जो इमिशन हो रहा है, चाहे वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का हो या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का हो, दोनों के अंदर जो एमिशन हो रहे हैं वो इतने हाई थे कि जो है स्मॉग का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस वजह से सिटी पैरालाइज हो जाती है। सिटी पैरालाइज हो जाती है, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन सबकी लाइफ पे जो है इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के अंदर। तो हमने अभी तक के क्या समझा कि एयर पॉल्यूशन के टाइप समझा, इंडोर एंड आउटडोर समझा, उसके बाद हमने ये भी समझा कि पॉल्यूटेंट्स किस तरीके के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट तरीके के पॉल्यूटेंट्स को हमने कैटेगराइज किया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो नेचुरल सोर्सेस हो सकते हैं कोई भी चीज़ के, एक एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज में आप देख सकते हैं कि या तो आप देखेंगे बिजली कड़क रही है, अब बिजली से क्या हो गया, बिजली कड़कने से आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है फ्री नाइट्रोजन वो मिक्स हो जाता है विद ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एमिशन ऑफ गैसेस। तो गैसेस एमिशन मतलब ये कि वॉल्केनो वगैरह जब होता है या फॉरेस्ट फायर लग जाती है जब लाइटनिंग की वजह से, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपको देखने को मिलता है कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और इसके अलावा अगर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें इतने फैक्टर्स हैं कि आप बहुत फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हो। आप इंडस्ट्रीज इंक्लूड कर दीजिए, आप घर का रेडीज इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। घर में आप जो है अगर कोल से खाना पकाते हो तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हो, सूट पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। आप जो है व्हीकल्स का यूज़ करते हो, स्कूटी हो गया या कार हो गया, इससे भी आप बहुत सारे ऑक्साइड्स जो है प्रोड्यूस करते हो, ये सब आप जो है पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हो। इंडस्ट्रीज़ जो है डिफरेंट तरीके के पॉल्यूशन जो है क्रिएट करती है, डिफरेंट तरीके के पॉल्यूशन डिफरेंट तरीके के क्रिएट करती है। एग्रीकल्चर से भी पॉल्यूशन होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नेचुरली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग हज़ारों सालों से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन अब जो है लोगों को क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर आप देखेंगे कि लोगों की फूड डिमांड बढ़ने लग गई है, इस वजह से हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। 1984 के अंदर क्या होता है, दिसंबर की रात होती है, एक इंडस्ट्रियल प्लांट होता है, इसका नाम होता है यूनियन कार्बाइड, ठीक है। ये बहुत अच्छी कहानी है, आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आपके लिए कहानी होगी लेकिन किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ट्रॉमा वाली बात है, क्योंकि अभी तक ये जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इफेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी लोग जिस तरीके से जो है बर्थ जो हो रही है आप देखेंगे बहुत सारे इम्पैक्ट क्रिएट हुए हैं, इम्पैक्ट इस तरीके के क्रिएट हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, आप जो है फील करेंगे कि आप लकी है कि आप उस जगह पे नहीं रहते। तो यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्रियल प्लांट था भोपाल के अंदर, और वहाँ पर जो है पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन होता था।
अब वहां पर होता यह है कि एक छोटी सी गलती यानी कि कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती बोलते हैं ना बहुत बड़ा बड़ा जो है काम कर सकती है। एक सेफ्टी डिवाइस था वहां पर, वेंट गैस स्क्रबर, उसको जो है 3 हफ्ते पहले बंद कर दिया गया था। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस था, उसको बंद कर दिया गया था। अब होता क्या है कि वहाँ पर जो है एक तरीके का मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है उस प्लांट से। कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, इसका एक प्रोसेस है। इसका प्रोसेस ये था कि जब हम बात करते हैं जो अलग अलग तरीके के वॉल्व होते हैं, एक तरीके की फैक्ट्री में आप देखेंगे डिफरेंट तरीके के वॉल्व एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट केमिकल्स रखे हुए होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो MIC होता है, MIC जो है किससे मिक्स हो जाता है, पानी के साथ। ठीक है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है और एक डेडलियस गैस फॉर्म कर देता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और ये रिड्यूस हो जाती है पूरे के पूरे जो है आपको देखने को मिलता है सिटी में। और देखने को मिलता है आपको कि जो टेम्परेचर है उसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उस जगह का, जिससे आपको देखने को मिलता है कि डिजास्ट्रस लेवल पे ये टेम्परेचर पहुंच जाता है और हज़ारों लोगों की जान जाती है और लाखों लोग जो है डिजीजेस से अफेक्ट होते हैं। उनके जो है बहुत तरीके के डिजीजेस, रातों रात लोग मर जाते हैं। डिफरेंट तरीके के डिजीजेस में आप देखेंगे ऑप्थैल्मिक डिजीजेस है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस लोगों को होते हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेज यानी लोग जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे साइकोलॉजी भी उनकी अफेक्ट होती है, न्यूरो बिहेवियरल डिजीजेज, उसके अलावा विजुअल डिजीजेज और रेस्पिरेटरी डिजीजेज आपको देखने को मिलते हैं, और अलग अलग तरीके के डिजीजेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा जो डिजास्टर था जो बहुत ज़्यादा जनरेशन टू जनरेशन आपको देखने को मिलता है, लोगों को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जेनेटिकली जो है कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। और जो क्या कहते हैं जो उस टाइम पे जो विमेन थी जो प्रेगनेंट थी उसमें आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट उस टाइम पर बढ़ गया था और साथ साथ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी जो है बढ़ चुका था इस वजह से, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर रिएक्शन के वजह से। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ये तो हो गया एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इंडस्ट्री का डिजास्टर हो जाता है तो इट इज़ वेरी हजार्डस, लेकिन इसके अलावा भी अगर इंडस्ट्री का डिजास्टर नहीं भी होता है तो इंडस्ट्री अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती रहती है ऑन डेली बेसिस। सेकेंडली बात करते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एरोसोल्स एंड VOCs। तो बेसिकली ये स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स आर द पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर में इनऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, डिफरेंट तरीके के एयर पॉल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सब होते क्या है इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। बात करते हैं एरोसोल्स की। तो जब हम कुछ चीज़ बर्न करते हैं, आपको भी ध्यान से देखना, अगर हम कोई कचरा वचरा जलाते हैं या कुछ हम समझ लीजिए प्लांट रेसिड्यू वगैरह है हम उसको जला रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वो आग के अंदर छोटे छोटे सूट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, उसे हम एरोसोल्स कहते हैं। और एरोसोल्स का काम भी है नेचर के अंदर, लेकिन एरोसोल से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमारी सोलार रेडिएशन है उसको ब्लॉक करती है, और इसके वजह से क्या होता है रेडिएटिव हीटिंग भी कॉज होती है। और इसके अलावा नेचुरल एरोसोल्स भी होते हैं। नेचुरल एरोसोल्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक जगह से दूसरी जगह जो प्लांट्स के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, उसे पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो भी एक तरीके का एरोसोल है, बट वो जो है कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी को अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं इन द सेंस बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं क्लाउड के फॉर्मेशन में काम करते हैं, ठीक है। क्लाउड के फॉर्मेशन में किस तरीके से काम करेंगे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, कि जैसे कि क्लाउड जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ कंबाइन होते हैं तब जाकर जो है क्या कहते हैं क्लाउड जो है फॉर्म होता है। तो ये एरोसोल्स उसमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन जो हमारे ह्यूमन मेड एरोसोल्स होते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से बने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। VOC क्या होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप खुला रखोगे तो वो उड़ जाएगी, हम कहते हैं ना कि उसको खुला मत रखो उड़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं पेट्रोल हम खुला रख देते तो उड़ जाता है, तो ऐसे चीज़ें जो क्या कहते हैं VOCs कहलाती है, ठीक है। VOC है ना वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बात की जा रही है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन है तो इसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, सारे कंपाउंड्स जो है आ जाएंगे, इसमें पेट्रोलियम वगैरह भी आ जाएगा, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यही एक ऐसे पॉल्यूटेंट्स है जो इंसान ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करते, एनिमल ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रोड्यूस होते हैं, 80% जो है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, और 20% जो है हम ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं। बट अगेन क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान ये नहीं पहुँचाते, ठीक है। अब बात करते हैं पीओपी के बारे में। तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पीओपी यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स जो कहीं ना कहीं, आपको पता है ऑर्गेनिक की बात आ गई तो फिर अगेन यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन रहेगा, लेकिन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मतलब ये जो है कंटिन्यूसली जो है इवेपरेट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इवेपरेट हो रहे हैं। कैसे इवेपरेट होगा? अगर आप कुछ तरीके के इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, एक जगह पे, और वो वहाँ पर रखा हुआ रहेगा और कंटिन्यूसली वो वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल होने की वजह से वो एयर में जो है डिसिपिटेड हो रहा है, इसे ही जो है हम कहते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट क्या कहते हैं हमसे, ऑर्गेनिक, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो इस तरीके की चीज़ें जो है कंटिन्यूसली जो है आपको देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। अब बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर की। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे सस्पेंडेड मैटर्स जो होते हैं जिसकी आप कभी भी इनहेल करते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा फाइनर पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा डेंजरस होगा फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल, समझ लीजिए कोई भी एक मेटल है उसका छोटा छोटा जब आप ब्रेक डाउन करोगे, बहुत छोटा छोटा ब्रेक डाउन करोगे, जैसे कि पाउडर टाइप होता है, अगर वो उस तरीके का पाउडर पूरे अगर हम सिटी में देखिए एयर में आपको देखने को मिल रहा है और वो इनहेल होकर आपकी बॉडी में जा रहा है, बहुत सारे डिजीजेस आपको कॉज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है। एक डिजीज़ का नाम बताती हूँ आपको, दिस इज द लार्जेस्ट वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वॉल्केनोसिस, ठीक है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वॉल्केनोसिस, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है कि जो छोटे छोटे सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन पार्टिकल्स जैसे कि अक्सर ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट आपको पता है ना, जो बैटरी वगैरह हमारी होती है जब हम सिलिकॉन से बनती है, हमारी फ़ोन की बैटरी जब इसे हम कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर देते हैं, हम फ़ोन बेच देते हैं, पुराना फ़ोन है, कंपनी को क्या करती है उसको ब्रेक डाउन करती है, छोटे छोटे सिलिकॉन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है, अगर हमने इसको इनहेल कर लिया, जितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स रहेंगे जिसे हम नैनो मैटर कहते हैं, ठीक है, नैनो मैटर का आजकल बहुत डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो नैनो मैटर होता है जब हम उसे इनहेल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है उससे हमारी बॉडी में बहुत नुकसान हो जाता है, हमारे लंग्स में जाकर वो पेनिट्रेट हो जाता है और हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर वो 10 नैनोमीटर से कम रहे, ठीक है, 10 नैनोमीटर से कम रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, PM10 कहते हैं, ठीक है। और जो जिसका 2.5 नैनोमीटर से भी अगर कम रहे तो हम उसे PM2.5 कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा नेचर ने जो है, नेचर में जो है हमें इतनी अच्छी जो है क्या कहते हैं बॉडी दी गई है कि हमारा जो आपको पता है ना, हमारी जो नोज होती है, नोज़ के ना छोटे छोटे हेयर होते हैं, और वो हेयर भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या किस चीज़ के लिए, कि जो हमारी एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें जो पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है जमा हो जाते हैं, आपको पता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये इसमें जो PM10 होते हैं ना, PM10 ये तो जमा हो जाते हैं, लेकिन PM2.5 इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप सोच सकते हैं 2.5 नैनोमीटर से कम, तो ये जो है ये हमारी नोज़ फिल्टर नहीं कर पाती और हमारी बॉडी में जो है ये एंटर हो जाते हैं, और हमारी ट्राकिया, आपने जो लंग्स का आपने फिगर देखा होगा ना, लंग्स आपने देखा होगा डायग्राम वगैरह, तो किस तरीके की लंग्स होती है हमारी, इस तरीके की जो होती है उसमें जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर बाद में जाकर, अभी तो हमें नहीं समझ में आता, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है ये हम इस तरीके के पार्टिकुलर मैटर से हमें बचना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही है या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके की जहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ से मतलब माइनिंग वगैरह जहाँ हो रही है यहाँ से पार्टिकुलर मैटर जो है जनरेट अक्सर हो जाते हैं, और हमें जो है जब इस तरीके के हम एमिशन कर, जब इस तरीके की चीज़ें हमारी बॉडी में जाती है, हमें चेस्ट पेन भी हो सकता है, अगर सीवियर केस हुआ तो हमें लंग कैंसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं CFCs के बारे में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करें
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको बहुत बार आपने सुना होगा, दिस आर कॉजिंग दी डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का कहीं ना कहीं जो है ये जो है ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर रहा है। आपको पता है ओजोन जो है बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है, जब एक हाई टेम्परेचर पे मतलब ऐसी एटमोसफेरिक कंडीशन होती है जहाँ पर ओ टू जो है मतलब ओ टू के साथ कंबाइन होकर जो है ओजोन जो है फॉर्म होता है। इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ओजोन को जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो है क्या क्या फॉर्म कर देते हैं, वापस जो है ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। तो बेसिकली CFC कहाँ से रिलीज होते हैं, CFCs जो होते हैं इसमें क्या होता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब ये कोई भी टाइप के हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाई, हाँ इसमें मतलब कितनी कितने क्लोरीन है उस पर डिपेंड करेगा, डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो, मीथेन, ये भी हो सकता है। डिफरेंट तरीके के CFCs होते हैं। तो CFCs जो होते हैं रिफ्रिजरेटर्स और के थ्रू, AC के थ्रू आपको देखने को मिलता है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है लेकिन नेचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के एयर पॉल्यूएंट्स होते हैं, मैं इतना डिटेल में उस पर नहीं जाऊंगी, पर शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत डेंजरस गैस होती है, ये अगर आपने इनहेल कर ली तो आपकी डेथ हो सकती है, अगर आपने प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली, जी हाँ। क्योंकि ये क्या करती है, आपके बॉडी में जाकर आपके जो हेमोग्लोबिन होता है, आपको पता है हेमोग्लोबिन के साथ आपका जो है हेमोग्लोबिन जिसको हम अक्सर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है आपका जो होता है उसके साथ कंबाइन हो के आपका ऑक्सीजन के साथ, हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो आपका जो है क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन अगर ये आपने इनहेल कर लिया तो ये आपकी हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी, ऑक्सीजन को हटा देगी साइड में और हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करेगी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करेगी और इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपकी जो है डेथ हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, एक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक गैस है। और आपको पता है इससे इससे कैसे प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है वेहिकुलर एमिशन से, ठीक है, कोल के बर्निंग से, या फिर कोई भी चीज़ आप इनकम्प्लीट जलाओ तो उससे भी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो डेफिनेटली हर चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, आपको पता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। सेकेंडली, थर्डली बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, ये भी आप इनहेल करोगे तो इससे आपको क्या होगा, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। उसके अलावा पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें होती है जो अक्सर आप इन टर्म्स ऑफ देखेंगे कि ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो किस पे काम करती है, गैसोलीन पे काम करती है, वो प्रोड्यूस करती है, इससे भी आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। CFC के बारे में भी हमने पढ़ लिया, AC वगैरह रिलीज होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है ऐसे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, तो ये भी जो है कि इसके रीजंस आप पढ़ सकते हो और इससे भी हमें बहुत सारे जो है नुकसान होते हैं। इससे एसिड रेन भी देखने को हमको मिलती है, पैन जिसे हम कह रहे हैं, पैन मतलब पेरोक्सी एसिटाइड नाइट्रेट, ये भी जो है व्हीकल से एमिशन हो रहा है इसका, इससे भी हमें क्या हो सकता है, आईज को इरिटेशन हो सकता है। बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर की। पार्टिकुलेट मैटर जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कितना नुकसानदायक हो सकता है हमारी बॉडी में जाकर, कभी कभी जो है कैंसिनोजेनिक मतलब हमें कैंसर भी कॉज कर सकता है, अक्सर जो है अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है इससे हम इसे हमें कॉज हो सकता है। अब ये तो पढ़ लिया हमने नुकसान के बारे में, अब हमें इसे कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ में हम ऐसी चीज़ें क्या ला सकते हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ तो हम बंद नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो इंडस्ट्रीज़ से हम किस तरीके से इमिशन को कम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये कर सकते हैं कि लो सल्फर फ्यूल का यूज़ किया जाए, ठीक है, जिसमें सल्फर का प्रोडक्शन कम हो। सेकेंडली, आज के टाइम पर जो है इस तरीके के इंडस्ट्रियल ओवन्स निकाले जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूटेंट्स को कम कर दिया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज निकाली जा रही है। और सेकेंडली जो है बात करते हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं आजकल जिससे एयर पॉल्यूटेंट्स एयर के अंदर डायरेक्टली रिलीज नहीं हो रहे, उससे पहले इसको ट्रीट किया जा रहा है, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए वेट स्क्रबर, इस तरीके की चीज़ें भी जो है यूज़ की जा रही है। सोर्स एमिशन की बात करें तो व्हीकल्स जो है बहुत बड़ा एमिशन करती है, तो आपको जो है पुरानी व्हीकल्स को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज पुरानी व्हीकल्स और ज़्यादा, आपको पता है ना जो ऐसी कार्स होती है जो अक्सर बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है अर्थ को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो सूट पार्टिकल्स भी रिलीज कर रही है, ठीक है, साथ साथ जो है वो माइलेज कम है उसका, तो एफिशिएंसी भी कम है,
इंजन भी बराबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पेट्रोल भी ज़्यादा ले रही है, डीजल भी ज़्यादा ले रही है, जो भी इस पे काम कर रही है बेसिकली, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ओल्ड व्हीकल्स को आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, नई नई व्हीकल्स नई नई तरीके से जो है डिज़ाइन होती है जिसमें कम से कम पेट्रोल या डीजल लगे और आपको माइलेज ज़्यादा मिले। सेकेंडली कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं कि जो हार्मफुल गैसेस है वो डायरेक्टली हम प्रोड्यूस ना करें और जो है क्या कहते हैं उसको हम लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर लें। ये सब पॉइंट बहुत इफेक्टिव है, आप इसको ज़रूर याद करिएगा, बिकॉज ये थोड़े आपको नया डायमेंशन देंगे। जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखेंगे तो आप सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते आप ग्रेजुएशन लेवल पे कि पॉल्यूशन कम करना है तो आप जो है क्या करेंगे, पॉल्यूशन कम करना है तो आप क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रीज बंद कर दो ऐसा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करो सिर्फ इतना तो लिखेंगे नहीं। अब आपको थोड़ा कुछ नया आंसर देना है, इसलिए आपको थोड़ा इसमें डिटेल चीज़ें जो है आपको दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे तरीके के व्हीकल फ्यूल में भी हम जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। व्हीकल फ्यूल इस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जाए कि उसमें सल्फर जो है उसकी कमी की जाए, अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ किया जाए, अनलीडेड पेट्रोल में लीड ना रिलीज हो, लीड इज़ वेरी हार्मफुल पॉइजनस आपको पता है ह्यूमंस के लिए। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया CNG LPG लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको आप यूज़ कर सकते हो इंस्टीड ऑफ कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस नहीं कोल पेट्रोलियम के बदले में आप ये यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं EVs का, आजकल बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को आप यूज़ करिए जिससे बहुत ज़्यादा जो है गैसेस जो है कम रिलीज हो, तो ये सब तरीके की चीज़ें आप जो है सजेस्ट कर सकते हैं। लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स आपको गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है क्या कहते हैं बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस करने होंगे ताकि लोग बात सुने। अगर आप ऐसे ही बोल देंगे ऐसे ऐसा करो ठीक है सुन लेंगे एक कान से निकाल देंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में पास की थी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास की थी, ये दोनों डेट्स आप याद रखना। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की थी, वो इम्प्लीमेंट क्या की थी उसमें बताती हूँ आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट तरीके की पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके के पैरामीटर्स को अडॉप्ट किया। तो एक कमेटी बैठी थी, 1984 में, जिसको हम कहते हैं CPCB यानी सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बैठी थी CPCB, और इन्होंने जो है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है सजेस्ट किए थे, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ऐसे 12 पैरामीटर्स को डिसाइड किया जिसमें हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ लेना, 12 तरीके के केमिकल्स जिसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन जारी करा और 610 मॉनिटरिंग स्टेशंस, आज के टाइम पे आप देखेंगे आज आप मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर आप दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जगह का आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करिए, कुछ ऐसी सिटीज़ है जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं इसे। तो ये मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए और 2019 में, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स से चेक किया गया कि क्या एयर क्वालिटी है पर्टिकुलरली उस सिटी की। अब बात करते हैं कि डिफरेंट तरीके की ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट चालू किया गया। मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो एफॉरेस्टेशन होती है वो सबसे बेस्ट होती है, और कुछ ऐसे प्लांट स्पेसिफिकली होते हैं जो इसलिए बने होते हैं कि जिसके बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्लांट स्पीशीज बने हुए होते हैं, और इससे हम देख सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स को जो है पता किया जाना और उनकी प्लांटिंग करना, इसे हम कहते हैं लैंडस्केप ग्रीन प्लानिंग। अब बात करते हैं एमिशन नॉर्म्स एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो एमिशन नॉर्म्स एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, तो कोई भी जो व्हीकल होती है उसे जो है क्या कहते हैं मार्केट में आने से पहले एक एक क्राइटेरिया जो है डिफाइन किया गया, जो कि इंडिया के अंदर 2000 के अंदर से शुरू हुआ था, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होता है पुणे के अंदर। तो हर एक जो व्हीकल जब मार्केट में आने वाली है, कोई भी कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, तो उसका टेस्ट करा जाएगा कि वो कितना एमिशन कर रही है। अगर ज़्यादा एमिशन कर रही है तो उसको कोई मार्केट में आने नहीं दिया जाएगा, अगर कम एमिशन कर रही है तो ये आप उसको मार्केट में आने दे सकते हो, ठीक है। तो कार्बन एमिशन के लिए उसको चेक किया जाएगा, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाएगी जिसके अंदर जितना एमिशन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कर रही है, नाइट्रोजन का कितना कर रही है, VOC का कितना कर रही है, ये सब वो टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसको जो है क्या कहते हैं मार्केट में आने दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके का लॉ जो है बनाया गया, और इसी तरीके से हम जो है अडॉप्ट करते हैं इसको कि कोई भी व्हीकल मार्केट में आने से पहले टेस्ट होती है कि कितना ज़्यादा वो एमिशन कर रही है। थोड़ा बहुत तो करेगी डेफिनेटली, बट ज़्यादा एमिशन नहीं करना चाहिए।
मैंने अभी आपको बताया पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ की जा सकती है। वेट स्क्रबर्स, स्क्रबर्स मतलब जैसे कि आपने स्क्रॉच ब्राइट देखा होगा, स्पंज देखा होगा, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जनरेट हो रहा है। जहाँ पर क्या समझ लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे ग्राइंडिंग हो रही है, उससे आसपास पार्टिकुलेट मैटर जनरेट हो रहा है। आप यहाँ पर आसपास स्पंज लगा दीजिए, स्पंज क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पार्टिकुलेट मैटर जो है कहाँ नहीं जाएंगे, एटमोसफेयर में नहीं जाएंगे, और इससे फिर ये पास होके स्क्रबिंग लिक्विड से पास होगा और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। चाहे आप इसको जो है कहीं भी आप कर सकते हो, इसे आप पार्टिकुलेट मैटर को एक जमीन पे डाल सकते हो, वाटर बॉडी में डिस्पोज कर सकते हो, बिकॉज वाटर बॉडी में तो नीचे जाके सेटल हो जाएगा सेडिमेंट के रूप में, लेकिन अगर आप ये एयर में इसको रिलीज कर दोगे तो फिर मैंने आपको बताया सारी चीज़ें कि सिलिकॉन पार्टिकल्स को इनहेल करने से कौन सा डिजीज होता है। हर एक पार्टिकल को इनहेल करने से आपके बॉडी में चल जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है कि कोई भी चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्सचेंज होता है, ठीक है। आप अगर समझ लीजिए पेपर है, पेपर को लेते हैं, ठीक है, आप पेपर को रब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो जो डस्ट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो नेगेटिव जगह पे जो है अट्रैक्ट होगा कैथोड पे, और जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो कहाँ कहाँ पर जमा होगा, एनोड पे जमा होगा। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ कर सकते हैं। साइक्लोन सेपरेटर यानी कि जैसे कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आपको पता है सेंट्रिफ्यूगेशन, आपने घर पे मिक्सर देखा होगा, राइट, मिक्सर में आप जो है मिक्सर देखा होगा, वॉशिंग मशीन देखी होगी, तो ये सब जो है काम किस पे करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। दो तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है, एक जो पार्टिकल्स को बीच में गैदर करती है, ठीक है, और एक जो पार्टिकल्स को जो है स्कैटर करती है, ठीक है। तो ये साइक्लोन सेपरेटर जो है ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करेंगे, जिससे क्या होगा, इससे सारा मटेरियल जो है वो एक जगह पे जमा होगा और फिर इसको रिमूव कर दिया जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए भी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कंट्रोल करा जा सकता है और कैटेलिटिक कन्वर्टर का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। तो आपके आंसर्स में आप इस तरीके की चीज़ें लिखेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स। अब बात करते हैं VOC, मैंने आपको बताया वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको अगर कम करना है तो गैस फ्लेयर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बायोफिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को जो है मतलब यू नो ट्रैप कर सकता है। अब बात करते हैं ताजमहल इशू के बारे में। तो ताजमहल आपको पता है, आप विजिट अगर किए होंगे तो आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा येल्लो जो है देखने को हमको मिलता है। तो ताजमहल जो है येल्लो हो रहा था, कैसे येल्लो हो रहा था हमको देखने को मिलता है 1972 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी मथुरा में लगाई। आप सोचिए आगरा मथुरा का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा कि नहीं एयर पॉल्यूटेंट से नुकसान पहुँचेगा, तो गवर्नमेंट कहा भाई मथुरा में वो लगा हुआ है और ये आगरा में है, कहाँ से नुकसान पहुँचेगा, गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी। लेकिन हुआ ये कि जब वो जो ऑयल रिफाइनरी थी उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, और सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है कंबाइन होता है एयर वाटर के साथ, तो H2SO3 H2SO4 बनाता है, सल्फर एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, एसिड रेन होती है, एसिड रेन से अच्छे अच्छी चीज़ों का आपको पता है कलर निकल जाता है, और मार्बल का तो कलर बहुत जल्दी जाने वाला है। तो इसलिए उन्होंने कहा, इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे थे कि नहीं एसिड रेन से मार्बल ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट सुना नहीं। और फिर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने देखा कि मार्बल जो है वो ब्लैक भी हो रहा है कहीं कहीं, वो येल्लो भी हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 1974 में जो है पर्टिकुलरली पता किया, तो उनको पता चला कि हाँ ये बात सही है कि है ना कहीं ना कहीं जो है इस वजह से जो है SO2 जो है आगरा के अंदर बढ़ चुका है, अप टू 1-3 माइक्रोग्राम्स बढ़ चुका है। लेकिन नेग्लिजेंस देखा जाए तो ये नेग्लिजेंस के अकॉर्डिंग देखा गया कि नहीं भाई इतना माइक्रोग्राम बढ़ेगा तो ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, ठीक है। लेकिन देखा जाता है WHO ने फिर बाद में जाकर जो है ताज, क्योंकि ताज जो है वो इज़ नॉट अ नेशनल कंसर्न, इट्स एन इंटरनेशनल कंसर्न, तो WHO ने 1982 में फिर इंटरवीन किया और ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया, मतलब पूरे जो हमारा ताज है उसके आसपास का 50 किलोमीटर का रेडियस एरिया। अब रेडियस एरिया तो आपको पता ही है, समझ लीजिए ताज को आपने बीच में रखा है, सेंटर है ये, तो यहाँ 50 किलोमीटर हर डायरेक्शन में 50 किलोमीटर, ठीक है, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो ईस्ट हो या वेस्ट हो, वहाँ पर कोई भी तरीके का आपको देखने को मिलता है कोल और वुड फ्यूल को जो है बर्न करना उतने एरिया में बैन है, किसी ने बर्न किया तो सज़ा मिलेगी। और ऑफ कोर्स ये बात है कि जिस तरीके वहाँ पर सोलार पावर प्लांट का जो है क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन किया गया है ताकि लोगों के एनर्जी डिमांड्स जो है पूरी हो सके।
तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ताज भी जो है येलो पड़ गया, थोड़ा सा येलो पड़ गया होगा, आपने देखा होगा अभी जाकर। तो बेसिकली थोड़ा सा येलोइश जो है नेस हमको देखने को मिलती है, इस वजह से देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। एयर पॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो पढ़ी उसमें मैं आपको बता दूँ कि हमने डिफरेंट तरीके के एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया और क्या क्या तरीके होते हैं इसको कम मिटिगेट करने के, वो भी हमने पढ़ लिया। तो कंट्रोल करना, मिटिगेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जो है चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक अच्छे इन्वायरमेंट आपको मिल सके। अब बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। तो नॉइज़ पोल्यूशन मतलब नॉइज़ मैंने आपको बताया अनवांटेड साउंड होता है, ठीक है, जो आप नहीं चाहते सुनना, ठीक है। तो सेकेंडली नॉइज़ कैसा होता है, जैसे बैंड बज रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो ये आपकी ऐसा लगता है ना कि कान बंद कर लूँ, बहुत इरिटेट हो रहा है, ठीक है। या फिर कहीं पर आप देखेंगे बहुत लाउडली कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा लाउड होने से जो है नॉइज़ पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। नॉइज़ पोल्यूशन की बात की जाए तो ये डेसिबल्स के टर्म्स में जो है क्या कहते हैं आप देखेंगे, डेसिबल्स के टर्म्स में आपको देखने को मिलता है। नॉइज़ को जो कैलकुलेट किया जाता है वो डेसिबल्स मतलब लाउडनेस को जो है डेसिबल्स के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं आपको बता दूं आप धीरे धीरे जो बात करते हो, अगर मैं बहुत धीरे धीरे बात करती हूँ तो ये विस्पर हो जाएगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। फिर फेंट, फेंट मतलब धीरे धीरे हम घर में किसी से बात करते हैं तो फेंट फेंट तरीके से बात करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा अभी जैसे मतलब लीजिए मैं बात कर रही हूँ तो आपसे मैं कह सकती हूँ फेंट तरीके से बात कर रही हूँ। अगर एक नॉइजी घर है जहाँ पर आप बात करना चाहते हो तो वहाँ मॉडरेट तरीके से आप बात करोगे, तो यहाँ पर नॉइज लेवल बढ़ते जा रहा है। लाउड जहाँ पर आपको रेडियो वगैरह सुनाई देता है, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलता है बहुत लाउड। जहाँ पर आप स्ट्रीट में जा रहे हो वहाँ फैक्ट्री की आवाज़ आ रही है और ज़्यादा लाउड, जहाँ पर ऐसा लगेगा कान बहरे हो रहे। कभी ट्रेन आने वाली रहती है रेलवे स्टेशन पे बिना रुकने वाली ट्रेन, वहाँ पर कैसी आवाज़ आती है वैसा। और फिजिकल पेन मतलब कान दुखने लग जाए, जैसे कि कहीं आप प्लेन उड़ने वाला है जेट एयरक्राफ्ट वगैरह वहाँ पर आ जाएंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है आपको आवाज़ आएगी, या फिर ट्रेन जो हॉर्न बजाती है बहुत ज़ोर से जो है वो बजाती है। अब हर तरीके की नॉइज़ से जो है ना नुकसान होगा, चाहे हाई इंटेंसिटी नॉइज़ हो चाहे लो इंटेंसिटी नॉइज़ हो। देखिए जो हाई इंटेंसिटी नॉइज़ होगी जिसको 100 से 80 से 100 डेसिबल्स के बीच में बात करी जा रही है, तो इससे आपको क्या होगा, आपको इमोशनल चेंजेस होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो है कंसंट्रेशन तो पहले तो चला ही जाएगा, आप स्टडीज़ नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें। आप कभी सुन के देखना वैसे मत सुनना, बट आप कभी कोई नॉइजी एरिया में जाएंगे तो वहाँ आपका मूड जो है ख़राब हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, अनईजी सा फील होगा। एक्सप्लोजिव साउंड यानी जो 110 से ऊपर है तो उसमें हम देखेंगे, मैंने बताया ट्रेन वगैरह आने वाली रहती है तो आपको ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है, ठीक है, ऐसी साउंड में आप ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, ठीक है। लाउड और सडन साउंड नॉइज़ आई तो इससे इंसान जो है कहते हैं अपने ब्रेन भी इंसान का डैमेज हो सकता है, ठीक है। इंटरमिटेंट नॉइज़ मतलब जो छोटी छोटी नॉइज़ होती है, ठीक है, छोटी छोटी नॉइज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, हर बार रेलवे स्टेशन की ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ऐसी नॉइज़ जो बार बार आ रही है तो इससे आप इरीटेट होते हो, ठीक है, इससे आपके माइंड पे साइकेट्रिक अफेक्ट्स हो सकते हैं। लो नॉइज़ की बात की जाए, लो नॉइज़ मतलब अगर आप देखें तो लो नॉइज़ मतलब कभी कभी आपको आती है ना कुछ भिन भिन की आवाज़ आ रही है, कुछ दूर से आपको आवाज़ आ रही है लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे नॉइसेस से आपके दिमाग का जो मेंटल स्टेबलनेस होती है वो डिस्टर्ब होती है। एब्सोल्यूट साइलेंस भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती है, अगर एक इंसान को एब्सोल्यूट साइलेंस में रखा जाए तो उसको अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई देने लग जाएगी और वो उसके लिए अच्छी नहीं होगी। मतलब हल्की हल्की साउंड जैसे कि चिड़िया का चहचहाना, इस तरीके के साउंड्स जो है लोगों को अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत साउंड चाहिए, ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए। अब बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। तो नॉइज़ पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो नॉइज़ ऑफ कोर्स ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए तो आप ये नहीं कर सकते ना कि कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट कर लेंगे। नॉइज़ कम करने के लिए आपको डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर फैक्ट्री वर्कर्स को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, बहुत बार बार देखा जाता है वो लोग जो है बहरे हो जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स मैंने आपको बताया, प्लांट्स भी जो रहती है उनकी भी कैपेसिटी होती है कि वो नॉइज़ को जो है सोख लेते हैं, तो कुछ प्लांट्स से अशोक बनियन नीम वगैरह तो वो सब आप जो है कहीं ना कहीं एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी नॉइज़ कम करने के लिए आप देखिए ऐसा बैंड बाजा मत बजाइए, ठीक है, आजकल लोग बहुत बैंड बाजा बजाते रहते हैं शादियों में, ठीक है, अक्सर लाउड स्पीकर पे गाने बजते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो एटलीस्ट क्योंकि इससे बहुत लोगों को नुकसान होता है, और हम देखेंगे कि पटाखे वगैरह जो फूटते हैं ये सब चीज़ों से बहुत नुकसान होता है, ठीक है, फ़ायदा नहीं है इसमें कुछ भी, थोड़ा बहुत इंसान को प्लेजर लगता है बट बहुत
बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान है। ट्रैफिक नॉइज़ की बात करें तो ट्रैफिक नॉइज़ मतलब लोग जो है एक साथ हॉर्न बजाते रहते हैं, खड़े हैं, गाड़ी है, उनको लग रहा है हॉर्न बजाने से जल्दी ट्रैफिक चल जाएगा, तो ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए। ठीक है, एरोप्लेन का जो है और जेट की नॉइज़ को कम करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। और एयरप्लेन अक्सर जो है एयरपोर्ट जो होते हैं अक्सर घर के बहुत दूर बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। रेलवे स्टेशन भी दूर बनाए जाते हैं। ठीक है, और सिटीज़ को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि आम लोगों तक के ये जो है वॉइसेस ना पहुँचे। ठीक है, और रिसेंटली आप देखेंगे CPCB और SPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर कुछ रूल्स भी बनाए हैं। ठीक है, अब बात ये आप रूल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, इजी रूल्स है इसलिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन, आई होप नॉइस पॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, एयर पॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है ना, जो हमारा पूरा डिटेल चैप्टर होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, राइट, पूरा जो चैप्टर नंबर 9 होगा इसमें हम वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर 10th चैप्टर में हम कुछ केस स्टडीज भी लेने वाले हैं सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा तीन कंसर्न्स थे, हमने क्या कहते हैं, एक तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है हमें, इससे पहले मैंने आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में और नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बता दिया। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, मैंने आपको ऊपर लास्ट चैप्टर में समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट ज़रूर करिए। न्यूक्लियर रिएक्शन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरीके से टेक प्लेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरीके से टेक प्लेस होता है, एनर्जी किस तरीके से जनरेट होती है, तो जब ये एनर्जी जनरेट होती है तभी साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल भी रिलीज करती है, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी यानी कि जैसे कि यूरेनियम पर्टिकुलर यूज़ होता है, रेडियम, इन सब की जो होती है अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन, ये जो है रिलीज करती है, और ये हमारी बॉडी पे, हमारे बोन्स पे, हमारे टिश्यूज़ पे अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट जो है क्रिएट करता है, और ये हमारी सेल को डैमेज कर सकता है। साथ साथ जो है सेमिनरली जो है आपको देखने को मिलता है कि ये जो है आपको देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में पेनेट्रेट करके हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल को भी जो है नुकसान पहुँचाए। तो हमको देखने को मिलता है कि इस वजह से जो है रेडियो मतलब हमारे हमको देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक होते हैं। अब हम बात करते हैं चेर्नोबिल डिज़ास्टर के बारे में। तो चेर्नोबिल डिज़ास्टर जो कि हुआ था 1986 यूक्रेन के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूक्रेन आपको पता है उस टाइम पर USSR का पार्ट था, ये सबसे खतरनाक डिज़ास्टर आज तक के न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हुआ है ये है। इसमें आपको देखने को मिलता है कि चार न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं, उसमें से एक न्यूक्लियर रिएक्टर में अचानक से एक जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है अचानक से जो है पावर सर्ज, मतलब पावर ज़्यादा खींचने लग जाता है, जैसे आपके घर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाता है या फिर लाइट चल जाती है या फिर क्या कहते हैं कोई डिवाइस ज़्यादा खींचने लग जाता है पावर, उससे यह होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है चारों में चालू हो जाता है, और उसके बाद जो है होता यह है कि पूरा जो है क्या कहते हैं आसपास रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है, और ये एक्सप्लोजन होने के कारण जो है 30% ऑफ द 190 मेट्रिक टन्स, मतलब 190 मेट्रिक टन्स ऑफ यूरेनियम वहाँ पर मौजूद था, उसमें से 30% जो है रिलीज हो जाता है, और उसको बाद में उनको मालूम पड़ता है USSR गवर्नमेंट को कि इस तरीके से चीज़ें हुई है, फिर वो लोगों को बताती है और फिर लोगों को हटाने की कोशिश करती है। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हटाया जाता है वहाँ से, और बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोजन के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। आपको देखने को मिलता है दूर दूर तक के जो है एक्सप्लोजन जोन जो है क्या कहते हैं फैल जाता है वहाँ पर, आपको देखने को मिलता है। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ये एरिया जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ था अब नेक्स्ट 20,000 साल तक यहाँ नहीं रहा जा सकता, क्योंकि रेडिएशन वहाँ पर मौजूद है, अभी भी हमें दिखती नहीं है लेकिन वहाँ पर जो है मौजूद है। तो ये जो है बहुत ख़तरनाक डिज़ास्टर हुआ था, और इसी वजह से लोगों को बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एक तो एक्सीडेंट हो सकता है, मैंने अभी आपको एक्सीडेंट के बारे में समझा दिया, तो एक्सीडेंट के वजह से भी चीज़ें हो सकती है। सेफ्टी इशू सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, अगर कोई सोलार पावर प्लांट में भी एक्सीडेंट हो सकता है, विंड में भी एक्सीडेंट हो सकता है, बट उसका नुकसान उतना नहीं होगा जितना न्यूक्लियर एक्सीडेंट का होगा। तो चेर्नोबिल डिज़ास्टर और उसके अलावा फुकुशिमा डिज़ास्टर भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी जो है एक एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं एग्जाम में। सेकेंडली वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब जैसे जैसे लोग न्यूक्लियर पावर को यूज़ करते हैं प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, वैसे लोग जो है क्या यूज़ करने लग जाते हैं, न्यूक्लियर पावर को यूज़ करने लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी के केस में हुआ था, और आज तक के जो वहाँ के बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी क्या कहते हैं अगर आप चीज़ें देखेंगे तो वो मेंटली रिटार्डेड बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं उनके, आज तक उनकी जनरेशन को जो है सफ़र करना पड़ रहा है।
अब बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स की। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो होता है कहीं ना कहीं इस रेडिएशन जनरेट करता है, इनके जो आइसोटोप्स होते हैं स्टेबल नहीं होते, इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी अपने आप में से लिबरेट करते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा रेज के फॉर्म में। अगर इसमें से जो है क्या कहते हैं इस वेस्ट को अनट्रीटेड रखा गया और ये पानी वगैरह में मिक्स हो गया तो इसको कंज्यूम करने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेकेंडली जब हम बात करते हैं यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम इसमें यूज़ होता है और रेडियम यूज़ होता है, तो इन दोनों की माइनिंग करने से बहुत नुकसान होता है इन्वायरमेंट में। सेकेंडली अगर आप देखें दूसरी चीज़ तो ये अगर आप बात करें तो जब इसमें जब इसको जब हम माइनिंग करते हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है लोगों की जान जाती है माइनिंग एक्सीडेंट्स के अंदर। रेडिएशन टैक्स की बात करें तो आजकल जो है रेडिएशन का पॉजिटिव यूज़ भी किया जा रहा है केमोथेरेपी में, कैंसर के पेशेंट को ठीक करने के लिए जो है इस तरीके के रेडिएशन का यूज़ किया जा रहा है। बट अगर हमारे लिए, अगर एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंसान के लिए जो है इसका यूज़ किया गया तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाए, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज के बारे में, तो कॉस्मिक रेज मैंने आपको ये भी बताया कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो कि जो क्रिएट करता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है क्रिएट करता है, इससे आपको देखने को मिलता है ये जो है क्या कहते हैं हमें विजिबल नहीं होती ऐसी रेस होती है और इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर हजार्ड से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हजार्डस हो सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्टियम 90। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कैल्शियम से मिलती जुलती होती है। अगर एक बार ये बोन्स में जो है क्या कहते हैं डिपॉजिट हो गया तो कैल्शियम को भी रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत नुकसान जो है हमारे को पहुँचा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ट्रिटियम को भी यूज़ करता है। ट्रिटियम क्या होता है पता है आपको? एक ऐसा मटेरियल है जो रेडियो एक्टिव बीटा पार्टिकल जो है रिलीज़ करता है। क्योंकि बहुत सारा मैंने आपको बताया था ऊपर एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, कूलेंट होता है, कार्बाइड रॉड्स होती है, तो ये ट्रिटियम यूज़ होता है। अगर ट्रिटियम गलती से पानी में चला गया और हमने एक्ज्यूम कर लिया तो हमें जो है क्या कहते हैं इसे म्यूटेशन जो है कॉज हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन के नुकसान बहुत ज़्यादा है यूरेनियम के अंदर, जो मतलब यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो माइन वर्कर्स काम करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, साथ साथ सभी लोगों को इससे जो है नुकसान पहुंचता है, आप इसे देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स की इफ़ेक्ट किस पर डिपेंड करते हैं, हम देखेंगे कि डिपेंड करते हैं कि उनकी लाइफ क्या है, मतलब उनकी लाइफ मतलब क्या कहते हैं डिपेंड करता है। जैसे यूरेनियम कितना टाइम तक के अपना रेडिएशन जो है रिलीज़ करेगा उस पर डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, किस रेट पर वो डिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि क्या उसके ऊपर कितने कंटेमिनेंट को जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो अगर एक जगह पर डिज़ास्टर होता है तो कुछ जगह तक के, कुछ टाइम तक के वहाँ पर शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स क्या आएंगे, जैसे डेथ हो जाएगी या फिर लोग जो है चल नहीं पाएंगे, ये तो हो सकता है। लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स ये हो सकते हैं जैसे कि जेनेटिक चेंजेस हो जाए, ठीक है, और आपको देखने को मिलता है म्यूटेशन चालू हो जाएगा, ट्यूमर कैंसर बढ़ जाएगा, लाइफ स्पान छोटी हो जाएगी लोगों के अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, एनीमिया जो है लोगों को हो जाएगा। ये लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स होते हैं किसके और रेडिएशन के। तो आप ज़्यादातर जैसे कि हमें अक्सर लोग कहते हैं ना कि वाईफाई के रेडिएशन भी अच्छी नहीं होती, तो जैसे कि वाईफाई के रेडिएशन की हम बात करते हैं वैसे ही जो है हमें दूसरी ये न्यूक्लियर पावर रिएक्शन जो है इससे हम बात करते हैं कि बहुत सारी रेडिएशन निकलती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद हम जो है क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज़ करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। रीज़न ये है कि अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें ना तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो अब प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका कोई मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है, इसमें रेडियो एक्टिविटी की दिक्कत है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे। तो बेसिकली अगर हम जो डिस्पोजल कर रहे हैं न्यूक्लियर वेस्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कर रहे हैं। तो पहली बात तो जो भी हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है उसको किस तरीके से रखना चाहिए, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए डीले एंड डीके मतलब जितना भी वेस्ट निकलता है उसको एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करना है जिससे उसकी रेडिएशन बाहर ना जाए। एक कंटेनर में आपने पैक करा और नीचे गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया, ठीक है, और ये आपका एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका कंसनट्रेट एंड कंटेन, जो छोटा मोटा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलाकर, जैसे कि कंक्रीट के साथ मिलाकर, अगर आप सीमेंट के साथ किसी चीज़ को मिला दोगे तो वो हिल सकता है क्या, बाहर निकल सकता है, नहीं, उसको जमा दो और फिर वापस उसको जो है अंदर जो है वो कर दो। डाइल्यूट एंड डिस्पर्स, अगर बिल्कुल जो हल्का फुल्का जो है, हल्का फुल्का अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो इतना ज़्यादा खास नहीं है
तो आप उसको इन्वायरमेंट में डाल सकते हो, लेकिन उसको आपको कुछ और मटेरियल के साथ डाइल्यूट आपको उसको कर देना है, ठीक है। डाइल्यूट आप पानी के साथ करो जिसके साथ आपको करना है। प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो इंसान जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स वगैरह काम ये पहन के आपको काम करना चाहिए। साथ साथ आपको वहाँ पर देखना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई लेवल वेस्ट को आप क्या कर सकते हो, अंडरग्राउंड टैंक में डाल सकते हो, या लिक्विड को आप कन्वर्ट कर सकते हो सेरेमिक जैसी जगह में, मैंने बताया आपको कंक्रीट में आप कन्वर्ट कर दो, या फिर आप उसको क्या करो डीप सॉल्ट माइंस में जो है इसको स्टोर कर दो। अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके पहले मैं फुकुशिमा डिजास्टर पे हम आ चुके हैं। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरे चैप्टर का क्रक्स ये था, ये जो कम्प्लीट चैप्टर है आपको यही बताता है कि न्यूक्लियर पावर रिएक्शन बहुत यूजफुल, न्यूक्लियर पावर रिएक्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है अगर उसको सही तरीके से यूज़ करें। एक और डिजास्टर के बारे में बताती हूँ, चेर्नोबिल के बाद हुआ। चेर्नोबिल के बाद जो है 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर जापान में ही होता है। यहाँ पर आपको जापान में होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपको देखने को मिलता है कि रेडियो एक्टिव जो है 5-6 दिन तक के जो है रिलीज हो जाता है। कैसे? क्योंकि 4 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है डैमेज हो जाते हैं, और ये इस वजह से क्योंकि आपको पता है जापान में बहुत ज़्यादा जो है आपको पता है सुनामी भी आती है, अर्थक्वेक भी आता है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑफ कोर्स की बात है अगर कोई लाइटनिंग हो गई, समझ लीजिए बिजली गिर गई न्यूक्लियर रिएक्टर पे, तो फिर क्या होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। तो इस नेचुरल चीज़ों की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, और डेथ तो ऐसा बताया जाता है कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। और आपको ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ से लोगों को हटा दिया गया, और वहाँ पर क्योंकि रेडिएशन हो रही थी इसलिए वहाँ पर और वहाँ के एरिया को आपको पता है पूरा कवर कर दिया गया, मतलब स्टिल लगा के वहाँ पर कवर कर दिया गया ताकि वहाँ से रेडिएशन बाहर ना जा सके। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको जो है क्लियर हो चुकी हो, और हमारा जो है चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। इसकी ग्लोसरी में आपको रेडियो आइसोटोप बताया गया है। रेडियो आइसोटोप मैंने आपको समझा दिया था वैसे बिना रेडियो आइसोटोप रेफर करे हुए। तो एक फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो स्टेबल नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि जो एलिमेंट स्टेबल नहीं रहेगा जैसे यूरेनियम हो गया, और ये लोग रेडिएशन देते हैं अपने आप में से, रेडिएशन देते हैं जिससे और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन देते हैं, किस फॉर्म में रेडिएशन देंगे वो लोग, अल्फा बीटा एंड गामा रे, इसके फॉर्म में जो है रेडिएशन वो आपको देंगे। तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप टैब पर जाकर मेरी मेंबरशिप ऑफर्स को चेक कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।